सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो के लिए पहुंचे हैं जी सिद्धू डेयरी फार्म, गांव पुच्चो खुर्द, तहसील और डिस्ट्रिक्ट बठिंडा इस गांव को लगता है जी, निर्मल जी के पास आज फिर से वीडियो के लिए पहुँचे हुए हैं जी। रेगुलर वीडियोज़ आप लोग अपने चैनल पर देखते रहते हो जी, स्पेशली अगर बात करें तो बछड़ियों का काम करते हैं जी, प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट, ग्याबिन और ग्याबिन होने वाली बछड़ियाँ हर बार भाई साहब के पास एक से बढ़कर एक क्वालिटी वाली सेल के लिए अवेलेबल रहती हैं जी। उसी तरह से आज है लगभग 16-17 बछड़ियाँ टोटल हैं जो सेल के लिए अवेलेबल रहेंगी, जिनमें से 9 से 10 बछड़ियाँ ग्याबिन हैं जी, चेक पास हैं, और बाकी की बछड़ियाँ जैसे इधर वाली आप लोग देख सकते हो, ये ग्याबिन होने के लिए 2-2, 3-3 महीने में तैयार रहेंगी। सभी भाइयों के बजट के अकॉर्डिंग बछड़ियाँ हैं जी, इधर वाली थोड़ी कम दाम वाली रह जाएंगी दूसरों के मुकाबले, और सेल के लिए अवेलेबल सभी की सभी हैं। HF ब्रीड मिलेगी, क्रॉस ब्रीड मिलेगी, साहिवाल मिलेगी और गिर ब्रीड मिलेगी, ये सभी की सभी सेल के लिए अवेलेबल भाई सब के पास हैं। बातचीत आगे की करते हैं निर्मल जी के साथ और प्रॉपर डिटेल सभी बछड़ियों की और उनके काम की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। सत श्री अकाल जी। जी कैसे हो निर्मल भाई? बहुत अच्छे। और काम काज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। घर परिवार भी बढ़िया? बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो यहाँ का अपना प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सिद्धू डेयरी फार्म, BPO बुच्चाखुर्द, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, स्टेट पंजाब। फोन नंबर है 7658036231। ओके जी। निर्मल भाई रेगुलर वीडियोज अपने चैनल पर आ रही हैं जी, और हर बार एक से बढ़कर एक बछड़ियाँ होती हैं जी। जब काम शुरू किया तो नॉन प्रेग्नेंट बछड़ियाँ, कहने का मतलब ग्याबिन होने वाली बछड़ियाँ ही होती थी, लाइव भी हर बार चलाते हैं जी आपके घर से। तो अब जैसे मैं 3-4 बार से देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि प्रेग्नेंट बछड़ियाँ आनी शुरू हो गई। पहली बात तो ये रहती है कि बहुत रेयर मिलती हैं जी, क्योंकि जो बछड़ियाँ जैसे ग्याबिन होगी 4 महीने की 5 महीने की ग्याबिन होगी जी, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेचते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में ब्याने के जैसे नज़दीक आ जाएगी तो दाम का काफ़ी इजाफा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ढूंढ कर कहाँ से लेकर आते हो जी? फार्म से मिलती है। अच्छा, फार्म से मिलती है। तो सेल करते नहीं है। सही है जी। वो तो या तो नॉन प्रेग्नेंट करेंगे। हाँ जी। या फिर मौके पे करेंगे जब बच्चा देगी। सही है जी। हाँ जी। तो फार्म से सभी की सभी जितनी भी खरीदारी होती है फार्म से होती है। कभी ना कभी तो जैसे घूमते फिरते गाँव एक दो बछड़ी कभी मिल गई, प्रेग्नेंट नहीं। ओके। नॉन प्रेग्नेंट तो मिल जाती है। हाँ जी। वो भी हमारे एरिया में नहीं है। ओके। वो तो आपको पता है ना। हाँ जी। मुक्तसर साहब, बठिंडा, मानसा। हाँ जी। ये जलंधर और मोगा से। अच्छा, उधर से आती हैं ज्यादा। आपको पता ही है ना। और क्वालिटी का भी तभी मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क रहता है, क्योंकि उधर वाली तरफ प्योरिटी ज्यादा रहती है। हाँ जी, हमारे तो क्रॉस में है ज्यादा। सही है जी। हाँ जी, हाँ जी। हमारे आपको पता है पहले से काम करते हैं, लिंकड़ है जी फार्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारे चाचा जी ने नया फार्म शुरू किया 3-4 साल से। ओके। काला डिब्बा हम चलेंगे एक दिन। ओके। वहाँ पे उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ है जी, फिर तो क्वालिटी अगर दिखाई जाएगी तो अच्छी बात है। हाँ जी, लार्ज फार्मा पूरा। हाँ जी, पूरा परफॉर्मेंस है, हम आपको दिखाएंगे। वहाँ से गाय भी खरीद के जब कस्टमर आएगा वहाँ से हम गाय भी परचेज करेंगे और दूसरी फार्म से दिलवाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी, अब बात करूंगा जी आज की बछड़ियों की। 16-17 बछड़ियाँ टोटल हैं। हाँ जी। कितनी ग्याबिन चेक पास हैं और कितनी ग्याबिन होने वाली है? इसमें 3-3.5 मंथ से लेकर 5-5.5-6 मंथ में बीच में वो गाय 6-6.5 मंथ की प्रेग्नेंट। हाँ जी। 9 गाय और 1 गाय और 8 बछड़ी। 8 बछड़ियाँ और 1 गाय। 2 बीच में बछड़ी है जो। हाँ जी। 35 से 36, एक वो गिर क्रॉस है। हाँ जी। वो साइड पे बैठी है, 2 इधर है। हाँ जी। 35-37 दिन में हो गई। भी 3 बछड़ियाँ ऐसी होगी जो 35-36 दिन की कंफर्म नहीं, कंफर्म नहीं है, AI हो चुकी है जी। बाकी 8-9 बछड़ियाँ अगर बोले तो कंफर्म चेक पास है। 4 बछड़ी छोटी है, 4 इधर वाली जो छोटी है, थोड़े टाइम तक 2-2, 3-3 महीने में ग्याबिन होने वाली है। प्योरिटी में सारे सही बात। 1-2 बीच में क्रॉस में, 1 तो उधर क्रॉस में है, एक जो छोटे वाली 1-2 बछड़ी क्रॉस में। ओके जी। हाँ जी। अब बात करूंगा जी इनके दूध के मिल्क रिकॉर्ड की, दूध के रिकॉर्ड की जी। देखो ये क्रॉस है वो तो 22-23 लीटर पहले ब्याह निकाल देगी। हाँ जी। और जो प्योरिटी जी इधर भी हाइट है। हाँ जी। ये बछड़ी है। सही है जी। वो बछड़ी है। हाँ जी। ये इसकी ये खीरी है अभी। ओके जी। बीच में 2 दांत या खीरी है, ज्यादा तो नहीं है। दूध देखो ये पहले सुए 27-28 लीटर से प्लस निकाल देगी। HF ब्रीड वाली जो रहेगी ये 30 लीटर दूध देगी। ओके जी। 25 लीटर वाली भी रह जाएगी। हाँ जी। पर है अच्छे मिल्क रिकॉर्ड, मदर रिकॉर्ड की है। बीच में जो रिकॉर्ड है मैं आपको बता दूंगा, जिसका नहीं पता होगा वो नहीं बताएंगे। अच्छा जी, प्रॉपर रिकॉर्ड जिनका मिला है तो उनका रिकॉर्ड साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। नहीं है वो बताएंगे नहीं। ओके जी। जब पता नहीं है मुँह से बुलवाने का क्या फायदा। सही बात है। अब एक एक करके बछड़ियाँ चला कर दिखाइए जी, फिर आगे की बात। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी हो गई।
अब सिलेक्टेड बछड़ियाँ आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं जी इस बछड़ी से, डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी निर्मल जी, डिटेल बताइए इसकी। ये दो दांत बछड़ी है जी। दो दांत है मुँह से जी, हाँ जी, और क्रॉस में है जी। हाँ जी हाँ जी। कितने टाइम की गैपिन होगी जी? ये 5 मंथ की होगी। 5 महीने के करीब गैपिन। चेक पास है जी? हाँ जी चेक पास है। ओके जी, और अगर ब्रीड की बात करें तो जैसे आप बता रहे हो कि क्रॉस ब्रीड में है। हाँ जी है क्रॉस। मुंह से कितने दांत हो? दो दांत है जी। दो दांत। हाँ जी, इससे ज्यादा तो नहीं? दो दांत ना। दो दांत कंफर्म है ना जी? कंफर्म है। ओके, 5 महीने की गैप इन चेक पास है जी। डॉक्टर अपना लेके आएंगे भाई साहब। सही है जी, जिस भी भाई को पसंद आती है। ये तो सबसे पहली बात यही है कि अपने डॉक्टर को साथ लेकर आइए। हाँ जी। क्या दाम रखा गया भाई इसका? इसका 38,000। 38,000 38,000 इसका दाम है जी। मौके पर मान सम्मान कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। ओके जी, क्वालिटी दोस्तों आप लोग देखिए, डिटेल भाई साहब ने बता दी है जी। चल आप लोगों को दिखा देता हूँ जी, रंग रूप की बहुत शानदार है। 4 ही आंचल हैं जी, वो आप लोगों के सामने हैं जी। इससे आगे दूसरी बछड़ी चलाकर दिखाते हैं। इससे आगे दूसरे नंबर पर ये एक और बछड़ी आप लोगों को चलाकर दिखाते हैं जी। क्वालिटी देखिए, डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी निर्मल भाई, डिटेल बताइए। दो दांत उठा लिए जी। ओके जी, दो दांत अभी उठाए हैं, हुई नहीं पूरी कहने का मतलब। ओके जी, 37-38 दिन की AI इसकी हो चुकी है, सीमन लगा हुआ है जी। अभी गैपिन चेक पास में तो आएगी नहीं, नहीं आएगी जी। और माँ का दूध वगैरह कितना बताया गया जी, जहाँ से आपने खरीदी थी? 27-28 लीटर। हाँ जी हाँ जी। और सही है, रंग रूप की तो शानदार है जी। क्या दाम रखा गया भाई सब इसका? इसका 30,000। 30,000 दोस्तों इसका दाम रहेगा जी। क्वालिटी आप लोगों के सामने है जी। 35-36 दिन का सीमन इसके लगा हुआ है जी। अभी गैबिन चेक पास में नहीं आएगी, मेरे हिसाब से 1.5 महीने के बाद में चेक पास में आ जाएगी जी, क्योंकि वजन में अच्छी बछड़ी है जी। आंचल आप लोगों को दिखा देते हैं, 4 ही आंचल हैं जी, वो आप लोगों के सामने हैं। इससे आगे तीसरी बछड़ी चलाकर दिखाते हैं। इससे आगे तीसरे नंबर पर ये एक और बछड़ी की क्वालिटी देखिए, डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी निर्मल भाई, डिटेल। खीरी है जी। ओके जी, और इसको भी 35-36 दिन हो गए सीमन लगे हुए। हाँ जी, गैपिन चेक पास में अभी नहीं आएगी, 15 दिन रुक के आएगी। हाँ जी, हम चेक करी तो अभी तो हो जाए। वैसे वो 22-21 दिन के बाद रिपीट। सही है जी, अगर ना प्रेग्नेंट होती तो हीट में दोबारा इसने आ जाना था जी, और 15 दिन के बाद वो कंफर्म हो जाएगी। हाँ जी, आज हम इसको खाली करके देंगे। ओके जी। हाँ जी, और क्या दाम रखा गया भाई इसका? इसका 27,000। 27,000 इसका आज का दाम रहेगा जी। हाँ जी, अगर गैपिन चेक में आ गई, मेरे हिसाब से इतने दिन बछड़ियां आपके घर पर रुकती नहीं है जी। नहीं रुकती नहीं। सही है जी, और क्या दाम बताया था आपने? 27,000 दोस्तों इसका दाम रखा गया। क्वालिटी आप लोगों के सामने है। आंचल आप लोगों को जरूर दिखा देता हूँ। 35-36 दिन हो गए इसकी AI हुई, लेकिन अभी चेक में नहीं है जी। आंचल आप लोग देख सकते हो, इससे आगे चौथी बछड़ी। हाँ जी निर्मल जी, साहिवाल की डिटेल आप ऐसे ही बता दीजिए। मुँह से दो दांत उठा रही है जी। अभी 2 मंथ की प्रेग्नेंट है जी। 2 महीने की चेक पास है जी। हाँ जी चेक पास है। क्या दाम रखा गया जी इसका? इसका 30,000 रुपये। 30,000। हाँ जी। माँ का दूध वगैरह? दूध देखो ये बोलने के तो 15-16 बोल। हाँ जी, पहले बयान दे देगी 12-13 लीटर। 12-13 लीटर निकाल। बॉडी वेट अच्छा है, अभी बच्ची है, हो जाएगी। दाम कितना जी? 30,000 दोस्तों इसका दाम है जी। 4 ही आंचल है। मौके पर मान सम्मान किया जाएगा, जो भी दाम किसी भी बछड़ी का बताया जाएगा। काजल आप लोग इसकी आंखों में देख सकते हो जी, प्योरिटी में अच्छी है, मेरे को तो अच्छी लग रही है। बाकी आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीदनी है। इससे आगे एक और बछड़ी चलाकर दिखा दी। इससे आगे 5वें नंबर पर ये एक और बछड़ी दिखा रहे हैं, डिटेल भाई सबसे ज्यादा। ये 2 दांत हो गए जी। 2 दांत है जी मुंह से, और बहुत अच्छे सीमन की है। हाँ जी, और इसको ब्रूड का सीमन लगा हुआ है। आगे ब्रूड का सीमन लगा हुआ है जी। कितने टाइम की गैपिन होगी जी? ये 5 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई जी। चेक पास है। हाँ जी, और क्या दाम रखा गया सर? 48,000 इसका आज का दाम रहेगा जी। और 46,000 लास्ट रह जाएगा, रोक लीजिए भाई सब। अगर बात करें तो कितना दूध आपके हिसाब से पहले बयान में निकाल देगी जी? देखो इसको दे देगी 27-28 लीटर। 27-28 लीटर पहले बयान में दोस्तों निकाल सकती है। देखो बॉडी वेट आप लोगों के सामने देख सकते हो जी। और आंचल आप लोग देखिए, आर्डर बनाना शुरू कर दिया है जी। अच्छे आंचल हैं, साइज अच्छा है, 4 ही आंचल हैं। ले जाइए भाई सब, बांध दीजिए। दाम भाई सब ने बताया जी, मौके पर मान सम्मान हो जाएगा। इससे आगे एक और बछड़ी चला कर दिखा दें। इससे आगे ये एक और बहुत टॉप क्वालिटी की बछड़ी आप लोगों को चलाकर दिखा रहे हैं जी। हाइट वेट बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत है, गर्दन आप लोग इसकी देख सकते हो कि कितनी लंबी इसकी गर्दन है जी। डिटेल निर्मल जी से जानते हैं। हाँ जी निर्मल भाई, डिटेल बताओ। ये 2 दांत होगी जी। मुंह से 2 दांत है जी। हाँ जी। और कितने टाइम की गैपिन होगी जी?
ये साढ़े चार पाँच मंथ की प्रेग्नेंट, साढ़े चार से पाँच महीने के बीच में गैप बिना जी। हाँ जी, क्वालिटी दोस्तों आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो। और मदर मिल्क निर्मल भाई कितना का बताया गया? 35-36 लीटर मदर रिकॉर्ड है जिसका, 35-36 लीटर। हाँ जी, क्या दाम रखा गया के जो अपना रेडियो बोला उसका सीमन लगा हुआ है, डेनमार्क का सीमन आगे इसको लगा हुआ है जी। क्या दाम रखा गया भाई इसका? इसका 52,000 से, 52,000 दोस्तों इसका दाम है जी। क्वालिटी बछड़ी की मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, ये बोल सकते हैं कि ये अपनी ब्रीड के बारे में खुद बताती है जी कि कैसी इसकी क्वालिटी है। रंग रूप देख सकते हो, आंचल आप लोगों को दिखाते हैं, छोटी छोटी शाखाएं जरूर हैं पीछे, वो आप लोगों के सामने है, चार आंचल पूरे बढ़िया हैं जी। डिटेल भाई साहब ने बता दी है, 52,000 इसका दाम रखा गया जी, मौके पर मान सम्मान किया जाएगा। इससे आगे एक और बछड़ी, इससे आगे ये एक और बछड़ी की क्वालिटी आप लोग देखकर चेक कीजिए। बताना चाहता हूँ ये भी अभी गैप बिना है जी, डिटेल निर्मल भाई से जानते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी निर्मल भाई, डिटेल बताइए जी। ये 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 3-3.5 महीने की गैप बिना जी। पहला बयान बहने के लिए, कितने दांत होगी जी? दो दांत बची है जी, मुँह से दो दांत है जी। हाँ जी, हाँ जी। और माँ का दूध वगैरह कितना बताया जी? 32-33 लीटर। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, क्या दाम रखा गया भाई इसका? इसका 46,000, 46,000 दोस्तों इसका दाम रखा गया जी, मौके पर मान सम्मान किया जाएगा। मुंह से दो दांत है, अभी गैबिन कितने टाइम की थी जी? 3.5 महीने, 3.5 महीने की गैबिन चेक पास है जी। हर बार भाई साहब बोलते हैं कि अपना डॉक्टर आप लोग साथ में लेकर जरूर आइएगा जी, यहाँ से चेक करवा के फिर ही लेकर जाइए। डिटेल भाई साहब ने बता दिया जी, आंचल आप लोग देख सकते हो जी, शाखा इसके भी जरूर है जी, पीछे बिल्कुल छोटी सी है। इससे आगे एक और बछड़ी दिखाते हैं, इससे आगे छोटी बछड़ियों में से ये एक सबसे खूबसूरत बछड़ी जो है आप लोगों को चलाकर दिखा रहे हैं जी। रंग रूप आप लोग इसका देखिए, हाइट वेट में बहुत ज़बरदस्त है जी, छोटी सी एज की है, ऊंचा कद काठ करेगी, क्वालिटी में बहुत अच्छी है जी, इंपोर्टेड सीमन की दिखने में लग रही है जी। बाकी डिटेल निर्मल जी से जानते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेंथ बहुत लंबी है, रीढ़ की हड्डी ऊपर से आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल फ्लैट है जी इसकी, वज़न भी अच्छा ले रही है, अच्छे केयर वाले घर से हो सकता है कि आई हो। क्वालिटी आप लोगों के सामने है, डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी निर्मल भाई, डिटेल बताइए इसकी। ये ब्रूड की है, वाइट वाली, वाइट वाली एबीएस के ब्रूड सीमन। हाँ जी, की है जी। और कितनी एज होगी जी इसके? 7 मंथ की होगी, 7.5 मंथ। और क्या दाम रखा गया भाई इसका? इसका 19,000 रुपए रेट है, 17,500 की बछड़ी, 17,500 की लास्ट देनी है जी। हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ वाली ये जो बछड़ी, ये भी मेरे को अच्छी लग रही है जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, डेनमार्क की खुद है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, और कितनी एज है जी इसकी? इसकी 8 मंथ की, 8 महीने की गैप एज है जी इसकी। हाँ जी, और क्या दाम रखा गया जी इसका? 17,500 रुपए, इसका भी 17,500 ही, 34,000 में दोनों देंगे। मौके पर मान सम्मान और हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा, मान सम्मान ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा मान सम्मान बोला है तो, मगर मान सम्मान ही होगा जी, ऐसी कोई बात नहीं कि बड़ी छूट हो जाएगी। दूसरी आप कुलवीर जी, आपको पता है, हाँ जी, आप हर बार आते हो, सही है, नई बछड़ी होती है, दाम मेरे हिसाब से मैं बाहर से लेता हूँ, मेरे को पता है, सही है जी, ये तो नहीं है अभी कोई 20 की बछड़ी ले ली, कोई 22 की बछड़ी ले ली, कौन देगा जी? सही है जी, जिसने मान लो 1.5 साल बछड़ी को दूध पिलाया, सही है, 20-22 बड़ी बछड़ी तो सेल नहीं, सही है जी, उस हिसाब से अगर खर्चा काउंट करे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। यही फायदा है जिसके पास 350-400 गाय है, वो क्या छोटी बछड़ी और कुछ प्रेग्नेंट बछड़ी सेल कर देते, वही मुनाफा है, सही है जी, देखो दूध के साथ वही उसका धंधा, ये लाहेवंद धंधा चाहिए, अच्छी बात है जी, एक साथ अमाउंट आदमी के पास आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ नहीं है जी, थोड़ी है कोई जी रिपीटर बछड़ी नहीं है। हाँ जी, खीरी है, कोई दो दांत है, सही है, ज्यादा एज की नहीं है, कहने का मतलब दांतों में है जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी निर्मल भाई, एक ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में थोड़ा जरूर बताइए। ऑनलाइन का सिस्टम तो जे सर जी, देखो मैं तो पहले बोलता हूँ खुद बिजनेस करो। हाँ जी, खुद आने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती, आदमी आएगा देखेगा, बाहर से लेगा, फार्म से लेगा, घर से लेगा, किसान से लेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है कैसी गाय लेनी है। और दूसरी बात ये है, जब ऑफलाइन करना है तो हमारी उसकी खुद जिम्मेवारी रहेगी, सही है जी, असम में भी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में, शिरडी, चाहे कहीं से भी कोई भी खरीद सकता है जी, अपने रिस्क पर आदमी खरीदेगा, लेकिन इधर से जो भी परमिशन होगी वो साथ में बनाकर दी जाएगी। वो चंडीगढ़ से परमिशन ली हुई है, आपको हस्बेंड्री से मैं आपको बताया है, वो बनेगी, परमिट बनेगा गाय का, बाया हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा, लगेगा एफिडेविट लगेंगे। और ऑफलाइन का जो भी टोकन मनी डालनी पड़ती, सही है, तो आज को हमको बोल दे कोई, हमको 10 बछड़ी चाहिए पहले, हाँ जी, उनको टोकन मनी तो डालनी पड़ेगी, टोकन मनी तो डालनी पड़ेगी, फिर ही खरीदारी होती है, आदमी के ऊपर डिपेंड है, सही है। जब इधर बछड़ी रेडी हो जाएगी, गाड़ी आ जाए, लोडिंग होते समय दूसरा पेमेंट हमको करना पड़ेगा। ओके जी, अब एक बार फिर से अपना यहाँ का एड्रेस और फोन नंबर दोबारा। सिद्धू डेयरी फार्म, बीपीओ बच्चो खुर्द, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, स्टेट पंजाब, मोबाइल नंबर है 7658036235। ओके जी, धन्यवाद भाई साहब।